सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और ये वाली वीडियो हमारी होने वाली है iOS 16 के डेवलपर बीटा 6 पे बूट कैंप टेस्ट करने वाले हैं हम। तो अगर आपको नहीं पता तो अभी डेवलपर बीटा 6 आ चुका है हमारा, कल या परसों में ही हमारा अपडेट आया है एक और नया जो कि है डेवलपर बीटा 6। अभी डेवलपर बीटा 5 चल रहा था 2 दिन पहले, लेकिन कल या परसों में डेवलपर बीटा 6 का अपडेट आ चुका है। तो अभी आज हम इसी पे करने वाले हैं बूट कैंप टेस्ट एंड देखते हैं कि हमारा लैग होता है XR या फिर नहीं लैग होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये शायद से आखिरी बीटा है क्योंकि इसके लास्ट में बी है और इसके बाद ऑफिशियल वर्जन आएगा जो कि होगा ऑफिशियल iOS 16 का वर्जन। और गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो iOS 16 पे मेरा अप टू डेट है iOS। और यहाँ पे मैं आपको अभी iPhone की स्टोरेज भी दिखा देता हूँ कि स्टोरेज ग्लिच हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो यहाँ पे स्टोरेज हो चुकी है हमारी कैलकुलेट, तो यानी कि हमारी स्टोरेज ग्लिच तो नहीं हो रही है। और यहाँ पे आप सिस्टम डेटा भी देख लो, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आपका सिस्टम डेटा कितना है, तो मेरा अभी सिस्टम डेटा है 6.28 GB और ये iOS 15.6 पे काफी ज्यादा था, 19 GB के आसपास था, लेकिन अभी ये काफी कम हो चुका है बीटा डाउनलोड करने के बाद। और यहाँ पे आप मेरी बैटरी हेल्थ भी देख सकते हो, 88% मेरी बैटरी हेल्थ है। और इस पे मैं करने वाला हूँ बूट कैंप टेस्ट और ये है आईफोन XR। तो अभी फटाफट से करते हैं बूट कैंप टेस्ट स्टार्ट। लेकिन गाइज उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, तो इस वीडियो में होने वाला है रिडीम कोड गूगल प्ले का। तो वीडियो में कहीं पे भी आपको रिडीम कोड दिख जाएगा, तो जैसे ही आपको दिखे आपको फटाफट से रिडीम कर लेना है। और जो भी रिडीम करोगे वो नीचे कमेंट करके बता देना कि भाई मेरे को मिल चुका है रिडीम कोड। और गाइज वीक के 3 वीडियो में मैं अपने रेगुलर व्यूअर और टॉप कमेंटर को अनाउंस करता हूँ, तो आप लोग नीचे कमेंट किया करो और रेगुलर वीडियोस देखा करो अगर आपको शाउट आउट चाहिए तो। एंड अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरी बैटरी हो रही है 80% और यहाँ पे टाइम भी आप देख सकते हो 9:43 हो रहा है। और हमारा iOS वर्जन है iOS 16 बीटा डेवलपर 6। और यहाँ पे आप ग्राफिक्स भी देख सकते हो किस ग्राफिक्स पे मैं बूट कैंप खेलने वाला हूँ। तो अभी हम स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलने वाले हैं और ऑडियो सेटिंग्स भी आप देख सकते हो अल्ट्रा पे रहेगी हमारी। तो अभी कूदते हैं फटाफट से बूट कैंप में। और गाइज मैं ये बता देता हूँ कि मैं बूट कैंप टेस्ट करने कैसे वाला हूँ। तो 1 घंटे तक मैं बूट कैंप खेलूंगा, जितने मैच हो पाएंगे उतने खेलूंगा। और आधे घंटे बाद और 1 घंटे बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आधे घंटे का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, FPS ड्रॉप्स हुए या फिर नहीं हुए, लैग हुआ या फिर नहीं हुआ, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, पूरा अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑनेस्टली। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो अब, और ध्यान से भी देखना क्योंकि वीडियो में है रिडीम कोड। तो गाइस यहाँ तक मेरे को खेलते हुए आधा घंटा हो चुका था, 30 मिनट्स हो चुके थे। और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो 10:13 हो रहे हैं और बैटरी हो रही है हमारी 64%, यानी कि हमको 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं एग्जैक्ट। और गाइस इन 30 मिनट्स में मेरे को बिल्कुल भी लैग देखने नहीं मिला, बिल्कुल भी लैग नहीं हुआ मेरा और कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं आई। एंड अभी आगे गेम प्ले करते हैं एंड देखते हैं कि लैग होता है या फिर नहीं, क्योंकि अभी तो बस आधा घंटा ही हुआ है और हमारी आधे घंटे में बैटरी गई है सिर्फ 16%, जो कि काफी अच्छी चीज है क्योंकि पिछली बार जब मैंने बूट कैंप टेस्ट किया था तब हमारी आधे घंटे में बैटरी गई थी 22%, लेकिन अब के बार बस 16% गई और iOS 16 का बीटा 6 है ये, तो काफी सही चीज है क्योंकि इतनी कम बैटरी गई हमारे आधे घंटे में, जबकि यूजुअली इसकी बैटरी जाती है 20-25% के बीच में, लेकिन अभी काफी कम गई तो काफी बढ़िया चीज लगी है मेरे को। तो अभी आगे गेम प्ले करते हैं एंड देखते हैं कि लैग होता है या फिर नहीं। Better off in
तो गाइज़ यहाँ तक हमको लगभग खेलते हुए 1 घंटा हो चुका था एंड यहाँ पे अभी फटाफट से बैटरी और टाइम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बैटरी हो रही है 45% और यहाँ पे अभी हम टाइम देखते हैं तो टाइम हो रहा है यहाँ पे 10:43, यानी कि एग्जैक्ट हमको 1 आवर हो चुका है, यानी कि 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे में हमारी बैटरी ड्रेन हुई है 35%, जो कि सही चीज़ है। मतलब पहले से तो ठीक ही है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने बूट कैंप टेस्ट किया था तब हमारी बैटरी ड्रॉप हुई थी 38%, लेकिन अब की बार 3% थोड़ा कम ड्रॉप हुई है, यानी कि 35% ही ड्रॉप हुई है, जो कि काफी सही चीज है। मतलब पहले से तो बैटरी परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ है एंड iOS 16 में भी हमको बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छे देखने मिलेगी, जहां तक मेरे को उम्मीद है, हमारे iPhone XR में। और गाइस यूजुअली इसकी बैटरी ड्रॉप होती है 35-40% से लेके, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ, 35-40 के बीच में हमारी बैटरी ड्रॉप होती है 1 आवर में, अगर हम बूट कैंप या फिर नॉर्मल BGMI खेले तो। लेकिन अब की बार हमारी 35% ड्रॉप हुई, जो कि काफी सही चीज है, नहीं तो हर बार मेरी ऐसी ड्रॉप होती है 37, 38, 40, 41, 42। और मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाओ। और गाइस अगर मैं लैग वगैरह की बात करूँ तो मेरे को बिल्कुल भी एक बार भी लैग देखने नहीं मिला, ना ही FPS ड्रॉप्स देखने मिले, कुछ भी देखने नहीं मिला मेरे को लैग में, और स्मूथ एक्सट्रीम पे खेल रहा था मैं, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। तो गाइस iOS 16 का डेवलपर बीटा 6 एकदम OP चल रहा है हमारे iPhone XR में, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को अभी तक देखने नहीं मिली, 2 दिन हो चुके हैं मेरे को ये डाउनलोड किए हुए। और गाइस यही था आज की हमारी इस वाली वीडियो में, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, वैसे डिसलाइक किसी को दिखता नहीं है तो करने का भी कोई फायदा नहीं है। और गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आपको कुछ जानना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो मुझसे, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा, या फिर आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, आप लोग देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो यार, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दो। और मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।